नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पूरी दुनिया कोरोना की बीमारी से जूझ रही है, वहीं भारत में भी धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। इस वर्ष बॉलीवुड के कई महान सितारे हमें छोड़कर चले गए, जिसमें इरफान खान, ऋषि कपूर और फिर सुशांत सिंह राजपूत के जाने से पूरा भारत अभी भी उभरा नहीं है। और फिर से एक चौंकाने वाली खबर आई है, बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट में किया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, अस्पताल अथॉरिटी को सूचित किया जा रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ भी कोरोना टेस्ट करवा रहा है, उन सभी की जांच के नतीजे का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफ़ी करीब रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। यही नहीं, अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके साझा की। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हम दोनों में ही बहुत हल्के लक्षण पाए गए हैं और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हमने सभी ज़रूरी अथॉरिटी को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार व बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, पैनिक नहीं हो, शुक्रिया। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं निकाला जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी जब भी अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी है, तब वह अपना इलाज करवाने के लिए नानावती अस्पताल आते रहे हैं। बच्चन परिवार ने कहा है कि इस बारे में जो भी जानकारी होगी वो खुद अमिताभ बच्चन देंगे या उनका ऑफिस इस बारे में जानकारी देगा। अस्पताल प्रशासन ने कंफर्म किया है कि अमिताभ बच्चन को सांस की तकलीफ हो रही थी, हालांकि इसकी दिक्कत के चलते वो पहले भी कई बार भर्ती हो चुके हैं। सूत्रों ने बताया है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है। बता दें कि बिग बी के पास वर्तमान में कई प्रोजेक्ट हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। अमिताभ की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें चेहरे, ब्रह्मास, बटरफ्लाई और झुंड शामिल हैं। इस सबके अलावा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग भी कर रहे हैं। वह शो के प्रोमो वीडियो शूट कर चुके हैं और एपिसोड की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। अमिताभ बच्चन के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में एक बात साफ कर दी गई है कि खुद अमिताभ बच्चन या उनका स्टाफ इस बारे में घोषणा करेगा। एक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में चिंता का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा, महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ आपने काम में डट जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा, आपके जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना और कामनाएं। द खबरदार और उसकी पूरी टीम भी अमिताभ बच्चन के ठीक होने और स्वस्थ होने की कामना करती है, प्रार्थना करती है। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।